क्या रे मोटिया, माल लाए? अरे माल है ना, बहुत माल है। कितना माल लेना तेरे को? ला फिर दो गोली दे दे। दो गोली बस? हाँ। चल 100 रुपए निकाल, चल 100 नहीं 200 ले। चल आ जल्दी ला, जल्दी ला, ये पकड़। इधर नहीं खाने का वरना तू इधर ही भूखेगा, बहुत टेंशन है, घर जाके खाने का। चल चल जल्दी निकल। पांडव वो मोटिया कहाँ रहता है रे? अरे साहब यही खड़े रहता हूँ। वो देखो साहब खड़े ले। चलो जल्दी। अरे बाप रे इंस्पेक्टर। ये कुत्ता गोली का सप्लायर कौन है बता तुम? अपुन को नहीं मालूम साहब, ये माल कहाँ से आता है? नहीं बताएगा तुम? नहीं बताएगा? नहीं बताएगा? नहीं बताएगा? बता। बताता हूँ साहब, अपुन सब बताएगा। इस शहर में कुत्ता गोली है ना, वो जेने लाता है साहब, मगर वो फेस बदल के आता है। वो कब आता है कब जाता है अपुन को कुछ खबर नहीं साहब, तुम भी उसको पहचान नहीं पाएंगे साहब। कुत्ता गोली का असली खलनायक वही है साहब। अच्छा तो ये जेने है जो कुत्ता गोली का सप्लायर है? पहलवान बोल। तू ये बता माल लेके किधर आ रहा? अरे तू इतना गाय को टेंशन लेता है रे, मैं 3 बजे MIDC में माल लेके आ रहा हूँ। तो ठीक है 3 बजे MIDC में मिलेंगे। अरे हाँ पक्का आ रहा हूँ रे, चल रहा कभी फोन। इंस्पेक्टर साहब मैं चिंटू, आपके लिए बहुत भारी खबर है। बोल चिंटू क्या खबर है? वो जैने है ना खलनायक, आज 3 बजे MIDC में माल लेके आने वाला है। पक्की खबर है ना? अरे एकदम पक्की खबर है साहब। तो फिर ठीक है, आज ये जैने खलनायक पुलिस की गिरफ्त में होगा। ये माल लेके अभी तक आया क्यों नहीं? अरे भाई तेरे पास माचिस है क्या? माचिस नहीं है? अबे झापड़ी के, मेरे को मालूम था तेरे पास माचिस नहीं है, और अगर तेरे पास माचिस होती भी तो ये जो जैने खलनायक है ना, ये हमेशा लाइटर से सिगरेट जलाता है मालूम? तू जैने है? अरे काने के गेटअप में तो पहलवान ने तेरे को पहचाना ही नहीं। अबे झापड़ी के, ये गेटअप में तू क्या मेरे को पुलिस वाला भी नहीं पहचानेगा, समझा? ये ले ये माल, कमा और माल बना, समझा? अरे भागने की कोशिश मत करना वरना गोली मार दूंगा। बहुत जैने खलनायक, बहुत तेरे कहानी यही खत्म कर दूंगा, समझा? अरे इंस्पेक्टर तू क्या मेरी कहानी खत्म करेगा? इस कहानी का राइटर तो मैं खुद हूँ। और सुन इंस्पेक्टर, कहानी अभी खत्म नहीं हुई, अभी कहानी में नया ट्विस्ट आएगा, समझा? डार्लिंग जैना को पुलिस ने उठा लिया है, अब तुम क्या करोगे? जैना उर्फ खलनायक ये गंजू सामंतिया का बहुत खास आदमी है, इसके बारे में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर पुलिस के सामने उसने तुम्हारा नाम ले लिया तो? वो नौबत आने से पहले हमें उसे जेल से बाहर निकालना होगा। हमारे साहब ने ना तेरे जुलाई के वास्ते भेजे ले। धुलाई के वास्ते नहीं भेजे ले साहब ने, अपने को इसको 3rd degree टॉर्चर करने के वास्ते भेजे ले। Oh, no! अरे हवलदार साहब एक बात बोलू क्या? अरे तुम लोग दोनों मेरी धुलाई करोगे, बाद में तुम लोग दोनों थक जाएंगे। मैं तुम लोग को बोलता हूँ कि मैं अगर यहाँ से छूट गया तो तुम दोनों को मैं 1-1 lakh वाला iPhone लेके दूंगा, क्या बोलता है? अरे बाप, अरे हमको मंजूर है, हम अब तेरी धुलाई नहीं करेंगे, तू हमारी धुलाई कर। क्या हो रहा है? ये होता है 3rd degree। हाँ मैं बताता हूँ, पकड़ के लिटा हुई से देखो, इसे कहते हैं 3rd degree। बता तू किसके लिए काम करता है, बता जल्दी बता। मैं किसके लिए काम नहीं करता साहब, मेरा खुद का धंधा, खुद मालिक, खुद नौकर है मैं। देख रहे पहलवान, अगर तू सरकारी गवाह बन गया
तो तेरी सजा भी माफ हो जाएगी और फंसेगा तेरा वो दोस्त जैन खल्ला एक। बोल क्या बोलता है तू? मैं सरकारी गवाह बन जाता पर तुम अपनी जबान से फिरना मत। तो टेंशन मत ले, तुझे जो बोला वही होगा। है हवलदार, इसको दूसरी लॉकअप में डालो। चलो ओके चले। क्या रे जैना खलनायक, ये तेरा दोस्त पहलवान सरकारी गवाह बन गया, अब क्या करेगा तू बोल। अबे बुरी गत्ते, इतना खराब हंसता दांत भी नहीं घसता। अबे जितनी तेरी औकात है ना उतना हंसा कर। और क्या रे बुरी गत्ते, तू ये पोचट लोग के चार पांच डंडों से डर गया? हाँ तो भूल गया तू एक टाइम के खाने के वास्ते है ना रोज की एक बाटली खून बेचता था, और ये लोग के पोचट लोग के चार पांच डंडों से डर गया? ऐसा काय को करा बेटा तू? मर जाएगा, छोड़। ए इंस्पेक्टर, ये देख मैंने तेरे सरकारी गवाह को मार डाला। ये देख मैंने मार डाला तेरे सरकारी गवाह को। लायक नहीं ना लायक हूँ मैं, लायक नहीं ना लायक हूँ मैं। तुम बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही हो तारा। वो तो मैं हमेशा लग। तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारा आगे का इरादा क्या है? इस बारे में हमारे शादी का। देखो तारा, तुम भी एक पुलिस वाली हो और पुलिस वाले की मजबूरी अच्छी तरह समझ सकती हो, और तुम्हें तो पता है ना कि जब तक ये जैने खलनायक की फाइल नहीं बंद हो जाती मैं शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता। और तुम्हारे खलनायक की फाइल बंद होगी कब? बहुत जल्दी होगी तारा, थोड़ा इंतजार करो। सही कहते हैं लोग, किसी भी पुलिस वाले से कभी प्यार नहीं करना चाहिए। अरे साहब तुम यहाँ खड़े, वो जैने जेल से भाग गया। जैने जेल से फरार हो गया? तुम जल्दी पुलिस स्टेशन पहुँचो, मैं आ रहा हूँ। देखिए तारा, ये और नवी मुसीबत, जैने खलनायक जेल से फरार हो गया है। तुम टेंशन मत लो राजू, इस शहर से भागने का सिर्फ एक ही रास्ता है, मैं वहाँ पे जैनिया को रोकती हूँ, तुम अपना पुलिस फोर्स लेके जल्दी आओ। ओके। आजादी मुबारक हो जैनिया। अरे थैंक यू बॉस, थैंक यू। तुमने एक लायक माँ के बेटे को नालायक बना दिया, यानी कि मुझे नायक से खलनायक बना दिया। अरे मैंने जिंदगी में किसी की माचिस नहीं चुराया, तुमने मेरे से भगोना चुरा दिया। अरे जैनिया ये क्या कम है, पूरी दुनिया की पुलिस फोर्स आज तेरे पीछे, और जुल्म की दुनिया का बेताब बादशाह है तू। अरे वही तो मैं कहता हूँ बॉस, दुनिया में आए हो तो कोई ऐसा काम कर जाओ मेरी जान कि हर गली से आवाज आए अब्बा जान अब्बा जान अब्बा जान। क्या बोलता है ये लंबा पानी, साला तेरी हालत के साथ साथ तेरा मुंह भी बड़ा हो रहा। और एक बात याद रखना गंजू सामंता, मुझे बादशाह नहीं, नालायक कहो नालायक। जी हाँ मैं हूँ नालायक, लायक नहीं ना लायक हूँ मैं, लायक नहीं ना लायक हूँ मैं। बेताल का कोई गायक हूँ मैं, हर जुर्म का हूँ मैं बादशाह, हर जुर्म का संचालक हूँ मैं। लायक नहीं ना लायक हूँ मैं, लायक नहीं ना लायक हूँ मैं। तेरी तबीयत से टेढ़ा है तू, सब लोग कहते हैं एड़ा है तू। hmm,
बचपन में पाकिट बीमारी बहुत हमको थी ये बीमारी बहुत लूटा किसी को मर्डर किया विस्की कभी कभी ठर्रा पिया देखा था माने कभी घूर कर ममता से अपनी मुझे दूर कर हर मोड़ पर सिर्फ गाली मिली और जुर्म की रात काली मिली लायक नहीं ना लायक हूँ मैं बेताल का कोई गायक हूँ मैं हर जुर्म का हूँ मैं बादशाह हर जुर्म का संचालक हूँ मैं। डार्लिंग ये लो पेक और एंजॉय करो। अरे बुरी गलती मैं अभी अभी जेल से छूट के आया। अरे क्या मेरे को पिला पिला के मार डालेंगी क्या? मरे तुम्हारे दुश्मन। अरे मैं तो कहती हूँ मेरी भी उम्र लग जाए तुमको। अरे झूठ बोलती है तू। मालूम है क्या, जब तू मेरे से जेल में मिलने आई थी ना तो मैं तेरे को देख रहा था, पुलिस वाले मेरे को मार रहे थे। तुमने पुलिस वाले को आखी मारी ना, मैं सब देख रहा था मालूम। अभी मैं बहुत थक गया हूँ, अभी मैं घूमने जाना चाहता हूँ, समझी क्या? कहाँ जाना चाहते हो, कोल्हापुर या सोलापुर? अरे पागल हो गई है क्या तू? ऐ साला बोले कोल्हापुर सोलापुर, अरे ये खलनायक है ना, बिल्कुल जगह नहीं जाता, समझी क्या? मैं जाऊंगा सिंगापुर। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी डार्लिंग। अरे सिंगापुर जाने के वास्ते है ना पासपोर्ट लगता है, तेरे पास तो आधार कार्ड भी नहीं है। हाँ एक बात हो सकती है, तू मेरे को छोड़ने के वास्ते बम्बई तक मेरे साथ चल। अगर मेरे बाजू की सीट खाली रही तो, अगर कोई बैठेला रहा बाजू में तो समझ लेना क्या टाटा, समझी क्या? अरे बोरी इतनी सुनी सनकार रोड में किसका इंतजार कर रही तू? मैं ना किसी दिल वाले का इंतजार कर रही थी। बोल मुझे लेके चलेगा क्या अपने साथ? अरे पागल है क्या तू? जैनिया खलनायक उसको दोस्त बनाता जो साला वफादार हो, मालूम क्या? तो एक बार ये तारा की वफादारी को आजमा के तो देख ले, तब तक तुझे पता चलेगा ना कि तारा कितनी वफादार है। ऐसा क्या ये बात है? तो मेरे को एक बात बता, तू मेरे वास्ते क्या कर सकती है? मैं तेरे लिए नाच सकती हूँ, गा सकती हूँ, तू जो चाहेगा ना मैं तेरे लिए वो करूँगी। अरे नाचना गाना छोड़, एक बात बता, तू मेरे घर पे बर्तन मांग सकती है क्या? अरे बर्तन ही नहीं, मैं तो तेरे कपड़े भी धो सकती हूँ। अरे ये तो और भी अच्छी बात है, जब से मेरी माँ ने मेरे को घर से बाहर निकाली है जब से ये कोट मैंने धोया नहीं है मालूम, बहुत बास आती है इसमें, समझी? चल बैठ। अरे गाड़ी पे बैठने से पहले मेरी बात तो सुन ले। और पकड़ना एक भागने की कोशिश मत करना। बस कर जैनिया, तेरा खेल खत्म अब। ऐसा तो तारा तू भी वफादार नहीं निकली है ना? अरे बेवकूफ, तारा क्यों तेरी वफादारी करेगी, क्योंकि वो कानून की वफादार है और वो एक पुलिस वाली है। क्या? हाय गाइस, सो हमारी न्यू वीडियो आ चुकी है जैनिया खलनायक। सो गाइस हमारा चैनल है आरएस एंटरटेनमेंट, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छी अच्छी कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।